बाहर घूमने के लिए ये एक अच्छा दिन है। थोड़ी देर के लिए रुकने का समय हो गया है। रुको, कुछ गड़बड़ है। चलो चले, चलो भी। ट्रिप कैंसिल हो गई, हमारे टायर की हवा निकल गई है। जूलिया, हम क्या करें? हमें अभी बहुत दूर जाना है। ओह नहीं, यहाँ सिग्नल नहीं है। पिंकी, हम खो गए हैं। अब हम हमेशा यही रहने वाले हैं। आप फ्लैट टायर के साथ कहीं भी नहीं जा सकते। मदद बहुत बहुत दूर है। आउच, पिंकी तुम ठीक हो? देखो ये एप्पल है, ये हमारा डिनर है। तुम्हें ये चाहिए? हमारे पास खाने का टाइम नहीं है, हमें एक शेल्टर की जरूरत है, तब हम खा सकते हैं। चलो अभी खाते हैं। नहीं जूलिया, हमें एक अच्छा शेल्टर बनाना होगा। काम करते हैं, हमें सब कुछ जंगल में मिल जाएगा। बढ़िया, यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल्स है, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। इसका एक कार्ड बन जाएगा। मुझे कुछ मिला है जूलिया, ये यहाँ जाएगा, वो वहाँ जाएगा, या मैं इन्हें साथ में रखूं? हमें इस पाइप को मोड़ना होगा। ओह नहीं, ये क्या है? यहाँ बेयर्स है, मुझे मत खाना। देखो मेरे पास क्या है। ओह ये भारी है। क्या हुआ पिंकी? मुझे लगा तुम बेयर हो। बेयर? यहाँ कोई बेयर है? यहाँ कोई बेयर नहीं है। ठीक है, तब काम करते हैं। आइसोलोन को काटो जूलिया, मैं इन चीजों को लूंगी। एक साथ बांधते हैं। ये काम कर गया। इन दो होल्डर्स को कार्ड से जोड़ते हैं। जूलिया तुम्हें मदद चाहिए? नहीं मैं ठीक हूँ। बाहर आओ लड़की। पिंकी, हमारे शेल्टर के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। ये बढ़िया है, मैं बाकियों को संभालती हूँ। चार्ट पर होल्डर्स है, हमें अपना कैनोपी बनाना चाहिए। आइसोलोन के कुछ लेयर और हमारा शेल तैयार है। ये बन रहा है, लेकिन ये अभी पूरा नहीं हुआ है। शेल हाउस को पेंट करना चाहिए। पिंक और ब्लू एक साथ अच्छे रहेंगे। हमने अच्छा काम किया है जूलिया। चलो खेलते हैं। मुझे ढूंढो पिंकी, मैं यहाँ हूँ। अब मैं यहाँ हूँ, तुम पकड़ लोगी। फिर से नहीं जूलिया। एक आइडिया है, हमें इस ब्लैंकेट की जरूरत पड़ेगी। अब ये वॉर्म और कम्फी है। हमें डिजाइन पर काम करना चाहिए। मुझे पता है क्या करना है पिंकी, देखो मैं क्या कर सकती हूँ। आसान है, देखो और सीखो। लेकिन पिंक ज्यादा अच्छा है पिंकी, ब्लू ज्यादा अच्छा है। हम इन्हें साथ में रख सकते हैं। हमने ट्यूल से कलरफुल ब्रेड बनाई है और डेकोरेशन तैयार है। हो गया, ये शानदार है। हाई फाइव पिंकी। अब हम क्या करने वाले हैं? चलो कुछ सोचते हैं। रुको, मेरी पॉकेट्स में कुछ है। टाइट्स? अजीब है, ये यहाँ क्यों है? कोई बात नहीं पिंकी, मेरे पास बहुत सारी स्टफिंग है। हम पिलो बना सकते हैं गर्ल। सेंट पॉन को टाइट्स में डालते हैं, बाकी को बाहर करते हैं। ये दो चीजें हैं, इन्हें साथ में करते हैं। ये कहाँ से आया? मेरे पास भी टाइट्स है। बढ़िया, पिलो और बड़ा हो सकता है। सॉफ्ट एलिमेंट्स को चेस के ऑर्डर में रखते हैं। पिलो तैयार है, ये शेल हाउस में अच्छा दिख रहा है। पहले तुम इस्तेमाल करो पिंकी, ये बहुत मुलायम है, मुझे पसंद आया। एक रॉयल थ्रोन है और बाइक अच्छी नहीं है, ये बहुत बुरी है। ठीक है, मैं तुम्हें सही कर दूंगी। चलो करते हैं। हमें एक फेक फर की जरूरत है। थोड़े रेक्टेंगल्स टुकड़े काटे और पहिए को सॉफ्ट अपोस्ट्री से ढकते हैं। अच्छा लग रहा है, कुछ मिसिंग है। ये ग्लिटरिंग टैसल्स, क्या बढ़िया व्हील है। मेरी मदद करो पिंकी, मैं फंस गई हूँ। ध्यान से जूलिया, ये मुझे दो। पिंकी, हम फ्लावर्स बना सकते हैं, ये अच्छा रहेगा। चैलेंज मंजूर है। वायर से फ्लावर्स बनाते हैं, उसके ऊपर ऑर्गेंजा लगाते हैं। हमें बहुत सारी ऐसी चीजों की जरूरत पड़ेगी। पेटल से फ्लावर्स बनाते हैं, असली लग रहा है। फ्लावर्स को शाइनी बनाने के लिए लाइट्स बल्ब लगाते हैं। वाह, ये सुंदर है। हमारे घर में और हरियाली है, ये मैट ठीक है। फ्लावर्स को यहाँ रखते हैं। पिंकी, ये जादू है,
बिल्कुल ये है, ये पर्दों के साथ और अच्छा रहेगा। मेरे पास एक आइडिया है, हमें लाइट फैब्रिक और पिंस की जरूरत है। अच्छा आइडिया है पिंकी, हम अपने कर्टेंस की टैसल से सजा सकते हैं। आसान है, एक बच्चा भी इसे कर सकता है। स्टिचिंग को बांधते हैं और बचे हुए को काटते हैं। हम हमारे डेकोर को ट्यूल पर पिन कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है, कर्टेंस को ऊपर बांधते हैं, हो गया। बहुत प्यारा है, बहुत अच्छे। खाने का क्या, मुझे भूख लगी है। पिंकी के पास कुछ बहुत टेस्टी है। उप्स, सब कुछ गिर गया है, पर कोई बात नहीं। ये लो जूलिया, ये अब बहुत मैसी है, अब ये सही नहीं हो सकता है। चलो सीरियल को कंटेनर्स में रखते हैं। जूलिया तुम जीनियस हो, इसे साफ करने का समय हो गया है, ये अब अच्छा है। पिंकी चलो ऑर्गेनाइजर बनाते हैं, तब तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। शुक्रिया गर्ल, हमें प्लास्टिक टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। चलो शेल्फ के लिए डोर बनाते हैं। कवर और कंटेनर को एक साथ रखते हैं। क्या बढ़िया टीम है, हो गया। इस फूड बॉक्स को हम कहाँ रखें? मेरे पास एक आइडिया है जूलिया, हमारे पास व्हील है, ये यहाँ फिट हो रहा है। तुम्हारे टेस्टी स्नैक्स यहाँ तुम्हारे साथ रहेंगे। पिंकी हम सीरियल के लिए मिल्क को कहाँ रखेंगे? बॉटल्स नहीं, ये सही नहीं है। हमारे पास एक असली डिस्पेंसर है, मुझ पर भरोसा करो। बॉटल में एक होल बनाते हैं, एक स्ट्रॉ इसमें डालते हैं। अब हमें एक कप की जरूरत पड़ेगी, इसे साथ में रखते हैं। तुम देखना चाहोगे ये काम कैसे करता है। इसे मिल्क से भरते हैं, इसे थोड़ा सा खोलो और ग्लास में मिल्क निकाल लो, ये आसान है। वाह पिंकी, तुम एक जादूगर हो, मैजिक नहीं सिर्फ कलाकारी। अब किंग्स की तरह खा सकते हैं मिल्क और सीरियल, इससे अच्छा क्या हो सकता है। बहुत स्वादिष्ट है। जूलिया तुमने ये देखा, ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है। जब तुम्हारे पास शेल हाउस हो तो बारिश से क्या डरना। हमारा कैनोपी खोल लो जूलिया, ठीक है, ये बढ़िया कवर है। मैं खुश हूँ हम अभी बाहर नहीं है। ये तूफान है, मुझे नहीं पता। पिंकी हम कल देखेंगे, चलो थोड़ा सो लेते हैं। ये छोटा घर किसी भी तूफान में सरवाइव कर सकता है, मौसम बहुत अच्छा है। चलो उठते हैं, अच्छी एक्सरसाइज जरूरी होती है। सबसे पहले हेल्थ, दौड़ने के लिए तैयार हो? बिल्कुल, पकड़ो जूलिया, एक आइडिया है। आराम से पिंकी, क्या आइडिया है? तुम्हें रेनबो दिख रहा है, हमारी बाइक को रेनबो डेकोर की जरूरत है। अच्छा है पिंकी, हम इसे कैसे बना सकते हैं? रेनबो स्लिंकी से, इसे बाइसिकल फ्रेम पर लगाते हैं, जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा है। अब हमारी बाइक सुंदर लग रही है, इसमें कुछ बलून्स भी लगाते हैं। ये आसान नहीं है, लेकिन हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास पंप है, लेकिन पिंकी ने शॉर्टकट स्किप कर दिया। जूलिया तुमने बताया क्यों नहीं, तुम्हारे पास कब से पंप था? रुको, हम व्हील को सही कर सकते हैं। पिंकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, वो जानती है पंप कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलो बैठ जाओ, हम जा रहे हैं। ये पिंकी, चलो चले। और फोन भी काम करने लगा। ओह वाओ पिंकी, मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया, बधाई हो। चलो फिर चलते हैं, कॉलेज बहुत बहुत दूर है। पैसे पैसे पैसे, कैंडिस के वॉलेट में कभी कुछ क्यों नहीं होता, और मार्टिन को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस कैंडी मिलती रहनी चाहिए। क्या तुम थोड़ी कैंडी लोगी कैंडिस? मजे से खाओ। मार्टिन तुम जीनियस हो, हम यही करने वाले हैं। हम एक कैंडी स्टोर खोलने वाले हैं, इस कमरे में ही, इसी कमरे में ही। मुझसे कैंडी छुपाने की कोशिश भी मत करना, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है कैंडिस, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। ये सब स्टोर के लिए है मार्टिन। खैर अगर ये बात है तो ठीक है, हमारे स्वीट बिजनेस के लिए कुछ भी, हमें बहुत कुछ करना है। चलो शुरू करें, हमें मोटे कार्डबोर्ड की एक शीट चाहिए होगी, कॉर्नर्स पर मार्किंग बनाए, एक्स्ट्रा पार्ट काट लें और किनारों को मोड़ें। और अब बॉक्स बनाना शुरू करें, रूलर से फोल्ड्स को मार्क करें और पीसेस को हॉट ग्लू से चिपकाएं। मेन पार्ट लगभग तैयार है, कार्डबोर्ड पीस पर स्क्वायर ड्रॉ करें, उसे काट लें। काफी आसान था। आगे क्या? ओह
मेरे पास एक आइडिया है। हमें सीरियल और पास्ता के कंटेनर्स चाहिए, उन्हें खाली कर दें। 3 कंटेनर्स यहाँ काफी रहेंगे। अब लिड्स में होल्स बनाएं। वोइला, ढक्कन को वापस लगा दें। बॉक्स में भी होल्स बनाएं। ध्यान रखें कि वो ढक्कन के साथ साथ हो। और अब मजेदार पार्ट, कंटेनर्स को बॉक्स में रखें और उस पर स्क्वायर पीस लगा दें। कैंडी अपने आप ही बाहर आ जाएगी। हमें खास मैकेनिज्म चाहिए। चलो एक और कार्डबोर्ड वर्क पीस बनाए और फिर बॉक्स को असेंबल करें। बॉटम और साइड्स पर होल्स बनाए। चलो इसे साथ में जोड़ें। पर कैंडी बटन का क्या? चलो कार्डबोर्ड ट्यूब इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक होल काटें और टॉप पर बटन लगाएं। उस पर एक अच्छे से पिक्चर लगाएं। कस्टमर्स को पता होना चाहिए कि वो क्या खरीद रहे हैं। बटन को उनकी जगह पर लगाएं और इसे उसके बेस के साथ जोड़ दें। ये तैयार है। अब कंटेनर्स में कैंडी भरें। पर कैंडिस अभी भी खुश नहीं है। मार्टिन, हमें ये मशीन पेंट करनी होगी। जैसा तुम कहो बहन। कैंडिस के पास भी करने को बहुत काम है। चलो कैंडी को कंटेनर्स में डालें। गुड बाय डाइट। कैंडिस, सब कुछ तैयार है, कैसा लग रहा है? हे, ये तो गलत है। हमें कैंडी खानी नहीं, बेचनी है। ओ चलो भी, सिर्फ एक पीस। चिप्स को भी एक कूल डिस्पेंसर की जरूरत है। कैंडिस एक बनाने जा रही है। चलो एक कार्डबोर्ड बॉक्स की साइड्स पर होल्स बनाएं और ऊपर से एक स्लॉट्स वाला कार्डबोर्ड कवर रखें। अब बटन्स बनाएं। सर्कल्स को रेक्टेंगल पर चिपकाएं। हो गया। हर बटन का अपना फ्लेवर है। कार्डबोर्ड लैचेस बनाएं। बेस तैयार है। हमें बस चिप कंटेनर्स इंस्टॉल करना है। वाओ, किसने सोचा था कि ये इतना आसान होगा। अब बस इसे पेंट करें और मशीन तैयार है। चिप्स और कैंडी मशीन सीधा काउंटर पर जाती है ताकि कस्टमर का ध्यान सीधा इस एरिया पर जाए, इसलिए हमें इसको थोड़ा सजाना होगा। वाह, ये कितना प्यारा लग रहा है। और मशीन कमाल का काम कर रही है। बस बटन दबाओ और कैंडी बैग या कप में आ जाएगी। आओ और ले लो, बहुत टेस्टी है। मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ लूंगी। मजे से खाओ एमिली। मुझे M&M's बहुत पसंद है। मैं चॉकलेट पीनट्स लूंगा, ये बहुत टेस्टी है। तुम चिप्स लोगे? ले, अगर तुम चूज नहीं कर पा रहे तो थोड़े थोड़े सारे ले लो, मिक्स करके ज्यादा अच्छा लगेगा। कस्टमर्स खुश है और मार्टिन अभी से अपनी पहली कमाई गिन रहा है। आप सिर्फ कैंडी और चिप्स से ही ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते। क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? चलो शुरू करें। ये आ गया लीफ ब्लोअर। मार्टिन, कभी तो सीरियस हो जाया करो। चलो काम पर लगे। लीफ ब्लोअर को इन हुक्स पर रखें, उसे प्लास्टिक टाइज से बांधें और अब कुछ प्लास्टिक बॉटल्स लें। सभी एक्स्ट्रा पार्ट्स काट दें। आपको दीवार पर लैबिरिंथ बनाने के लिए ऐसी बहुत सारी चाहिए होंगी। बहुत बढ़िया बहन। तो क्या हम अपनी पॉपकॉर्न मशीन चलाएं? ये काम कर रही है। और डेकोरेशंस मत भूलना। यहाँ तक कि डेकोर भी टेस्टी लग रहा है। हवा की स्ट्रीम पॉपकॉर्न को ट्यूब में नीचे ले जाएंगी। वहाँ कप रखना ना भूलें। ये बहुत बढ़िया है। अब पैसे कमाने का समय है। हमारी पॉपकॉर्न मशीन देखिए। इन नैनो फूड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके देखना चाहोगे? ओह हाँ, ये कैंडी स्टोर सच में कमाल का है। क्या हम ये पुराने व्हील्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, हम इससे स्टैंड बनाएंगे। प्लास्टिक पाइप पर व्हील्स लगाएं और उन्हें चिपका दें। मार्टिन इसमें माहिर है, उसने टांगों वाला वुडन स्टैंड बना भी लिया है। चलो इस पर व्हील्स लगाएं। वाह, ये घूम भी रहे हैं। हम बेक्ड फूड कहाँ रखें? ये कार्डबोर्ड होल्डर सही रहेगा। हम इसे व्हील्स पर चिपका देंगे और ज्यादा बेचने के लिए ऐसे ही और होल्डर्स बनाएं। मार्टिन ने बहुत बढ़िया काम किया। ये तैयार है। कैंडिस के पास उसकी टॉपिंग मशीन है, ये उनकी पेस्ट्रीज के लिए जरूरी है। आओ और डोनट्स और केक्स ले लो और अपनी टॉपिंग्स चुनना ना भूलें। चिंता मत करो, यहाँ सबके लिए काफी है। जैम, स्प्रिंकल्स या व्हिप्ड क्रीम चुनना मुश्किल है।
आपको सब कुछ ट्राई करना होगा। आज की सेल खत्म हुई, आज अच्छी कमाई हुई, पर ये तो बस शुरुआत है। मार्टिन, ऐसा सोचना भी मत। अगर किसी को हॉट कोको पीना हुआ तो हमारे स्टोर में हर चीज होनी चाहिए। तो चलो एक कोको मशीन बनाते हैं। हमें एक ऐसा पीस काटना होगा, इसे लाइंस के साथ मोड़ते हुए बनाएं। इन्हें साथ में चिपका दें ताकि मशीन टिकी रहे। लेफ्ट और राइट पार्ट को बीच की तरफ मोड़ें और लिड बनाएं। कोको मशीन लगभग तैयार है और ये ड्रिंक लेवर होगा। मार्टिन, ये देखो, तुम्हें यकीन है ये काम करेगी कैंडिस? बिल्कुल, इसे वाटर प्रूफ होना चाहिए। ये तो मुश्किल है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। बॉटल कैप पे होल्स बनाएं और ट्यूब्स लगाएं। किसी ट्यूब में एक और कैप लगाएं, उसे एयर टाइट बनाने के लिए उस पर ग्लू लगाएं और अब कैप लगा दें। मार्टिन के पास पहले से ही हॉट कोको की एक बोतल है। अब दूसरी कैप को खाली बोतल पर लगाएं। ये प्रेशर बनाएगी और कोको को कप में डालेगी। मशीन को असेंबल करो और उसे चेक करो। ट्यूब को लेवर में लगाएं और ड्रिंक वाली बोतल को मशीन के ऊपर वाले टैंक में डालें। मैं थोड़ी कोको लूंगी मार्टिन। ये काम कर रही है। अब हमें मशीन को पेंट करना होगा। आम कोको बहुत बोरिंग होती है। चलो कुछ टॉपिंग्स मिलाते हैं और कस्टमर्स खुश हो जाएंगे। मैं कोको और मार्शमेलो के दो शॉट्स लूंगी। ये लो मिस, मजे से पियो। हमारे प्रॉफिट्स अभी से बहुत बढ़ गए हैं। yes. स्टोर में बस कॉटन कैंडी की कमी है। एक प्लास्टिक बॉल और ड्रिल इस परेशानी को तुरंत सॉल्व कर देगी। आपको एक कैन की मेटल लिड भी चाहिए होगी। बॉल में एक होल काटें, ऐसे प्लास्टिक लिड के बीच का हिस्सा भी काट लें। ड्रिल लगाएं, राउंड नोजल और कवर लगाएं। थोड़े समय बाद डिवाइस तैयार है। ऊपर से प्लास्टिक लिड लगाएं और आप एक कार्ट भी बना सकते हैं। हम कॉटन कैंडी मशीन को इसमें लगाएंगे। डेकोर के बारे में ना भूलें। वाओ! और अब हम अपनी कॉटन कैंडी का पहला बैच बना सकते हैं। इसे चाहिए मुझे। ये बहुत अच्छी है, बहुत मीठी। कैंडिस के पास एक और शानदार आइडिया है। चलो एक शूटिंग गेम बनाते हैं। कार्डबोर्ड से ऐसा एक पीस बनाएं। सेंटर से अलग अलग साइज की विंडोज बनाएं। अब बॉक्स को असेंबल करें। बेस तैयार है, अब इसे चिपका लें और पेंट करें। मार्टिन, देखो मैंने क्या बनाया। इन विंडोज में स्वीट प्राइजेस होंगे। wow. और ट्रीट पाने के लिए आपको इसे नॉक करना पड़ेगा। बस कैंडिस के पास सही वेपन नहीं है। मार्टिन मदद कर सकता है, वो एक बढ़िया स्लिंग शॉट बनाने वाला है। प्लास्टिक ट्यूब में वुडन होल्डर और एक स्प्रिंग लगाएं। आपको एक छोटे से लेवर और लॉकिंग डिवाइस की भी जरूरत पड़ेगी और एमओ भी तो चाहिए। ये कैसा रहेगा? wow. बढ़िया कैंडिस। शूट करने के लिए लीवर खींचना होगा। हम अपनी स्वीट गेम कहाँ रखें? जाहिर है बिल्कुल सामने। दोस्तों अपना लक ट्राई करो, अपनी किस्मत आजमा कर देखो। क्या पहले मैं जा सकती हूँ? बिल्कुल मेलिसा, कोशिश करो। इन स्वीट्स पर निशाना लगाना इतना आसान नहीं है। पर मार्टिन और कैंडिस के लिए एक अच्छी खबर है। कस्टमर को हर ट्राई के लिए पे करना पड़ता है, पर हर कोई पहले या बाद में निशाना लगा ही लेता है। कैंडिस, शूटिंग गेम हिट रही। सारे सोडा टेस्टी होते हैं, अगर हम इन्हें मिक्स कर दें तो। मार्टिन को एक अच्छा आइडिया आ भी गया। हमें कुछ टैप्स और पाइप जॉइंट्स चाहिए। अब चलो एक पूरा सिस्टम बनाते हैं और बॉटल्स को टेप से जोड़ते हैं। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और ताकि सब कुछ सही हो, चलो एक वुडन होल्डर बनाएं और उस पर व्हील के साथ एक टैप लगाएं। चलो ऊपर से हमारा लेमोनेड स्ट्रक्चर बनाएं। कौन यहाँ हमारा बढ़िया सोडा ट्राई करना चाहेगा? ये रिफ्रेशिंग और खास है, अब तक की सबसे अच्छी ड्रिंक। हमारा स्वीट स्टोर काफी अच्छा चल रहा है। हम अमीर हो गए मार्टिन। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल कर रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बेच रहे हो।